नमस्ते, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं, सोनल दहिया। कई बार जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो रोज़मर्रा के रूटीन से वो कई बार छुट्टी लेने के लिए, ब्रेक लेने के लिए कई तरह के बहाने बनाते हैं। उन बहानों से आप यूज़ टू होते होंगे और एक बहाना तो आप हर बार सुनते ही होंगे कि बच्चे के पेट में दर्द है, बच्चा पेट दर्द की वजह से स्कूल नहीं जाना चाह रहा। लेकिन आपको पता है कि आपको अगर आपका बच्चा बार बार इस तरह की शिकायत करता है तो आपको इस पर गौर फरमाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ही तरह की शिकायत बच्चे की तरफ से किया जाना कई बार वो आपके लिए एक लापरवाही भी क्रिएट कर सकता है, कोई लापरवाही भी हो सकती है। क्योंकि पेट दर्द की कई सारी वजह हो सकती हैं, कोई गैस्ट्रिक इशू हो सकता है बच्चे को, कोई डाइजेशन का इशू हो सकता है, या फिर कोई और मेडिकल कंडीशन इसके पीछे हो सकती है। हम कई बार इस तरह के बहानों को इग्नोर कर देते हैं और बच्चे को फिर भी स्कूल भेज देते हैं। लेकिन इसको हमें साइकोलॉजिकली समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पेट का दर्द और साइकोलॉजी, अब आपको लगता होगा कि क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन है। जी हाँ, इनके बीच में एक ज़बरदस्त कनेक्शन है। आप साइकोलॉजी की कुछ ऐसी वजह हो सकती हैं, बच्चे के दिमाग में कुछ ऐसा चल सकता है जो आप उसके दिमाग के साथ साथ उसके शरीर को भी अफेक्ट कर सकता है। अब वो साइकोलॉजिकल रीजंस क्या हो सकते हैं, बच्चे को स्ट्रेस होना, कई बार बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तो फिर पेट दर्द हो सकता है, इस तरह की मेडिकल कंडीशन पैदा हो सकती है। किसी चीज़ से बच्चे को फियर है, मान लीजिए आपका बच्चा किसी चीज़ से डरता है और आप बार बार उसी काम के लिए बच्चे को बोलते हैं तो बच्चे को इस तरह की मेडिकल कंडीशन आ सकती है कि उसके पेट में दर्द हो सकता है। स्कूल में कोई सीनियर डराता धमकाता है या फिर किसी अपने से बच्चा दूर होता है, कई बार ये जो डिस्टेंस होती है ये भी बच्चे को साइकोलॉजिकल तरीके से अफेक्ट करती है। घर से अलग रहता है, शहर या घर बदलता है, अटेंशन और केयर बच्चे को कम मिलती है, तो कुछ ऐसी वजह हो सकती हैं जिन वजहों से बच्चे के शरीर पर प्रभाव पड़ता है। और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर इस तरह का बहाना बच्चे बनाते हैं और फिर उनको जवाब में यही मिलता है कि अरे तुम तो बहाने बना रहे हो। तो बच्चे को इस तरह की कंडीशन में डांटे नहीं, कभी भी सपोर्ट करें। कोई भी परेशानी है उसको जानने की कोशिश करें, विश्वास दिलाएं अपने बच्चे को कि आप उसके साथ खड़े हैं। ठीक से अगर बच्चा खा पी नहीं रहा है, सो नहीं रहा है, रेस्ट नहीं ले रहा है, पेट को छूने पर दर्द महसूस कर रहा है या फिर हाथ पैर मोड़ कर बैठा है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं और इस तरह की कंडीशन में आप अपने बच्चे को मेडिकली ट्रीटमेंट ज़रूर दिलवाएं। क्योंकि पेट दर्द की स्थिति में कई सारे साइंस आते हैं, शरीर पीला पड़ने लग जाता है, टॉयलेट करने में परेशानी होती है, पेट दर्द आ जाता है, बार बार बच्चा उल्टियाँ करता है, तो इस तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें आप अगर पेट ख़राब है तो बच्चे को मेडिकली उस चीज़ का वो जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो कुछ सावधानियां ज़रूर रखें, आप अपने बच्चे को कीटाणु से बचा कर रखें, क्योंकि आसपास बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो बच्चे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अपने आसपास क्लीन एनवायरनमेंट रखें, नाखूनों को उनको उनके साफ़ रखें, छोटे रखें, नाखून साफ़ रखें। बासी खाना अपने बच्चे को ना दें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, फास्ट फूड ना खिलाएं, मैदा ना खिलाएं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देकर आप बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन पेट दर्द का जो बहाना बच्चे की तरफ से बनाया जाता है तो उसको हर बार इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस पर भी आपको गौर फरमाने की ज़रूरत है। साइकोलॉजिकली ये चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों को स्वस्थ रखें।